नमस्कार दर्शक मित्रों, आप જોઈ રહ્યા છો એનએન ન્યૂઝ. હું છું એન્કર અભિતા પટેલ. હવે જોઈએ અગત્યના સમાચાર. સુરત સાયબર ક્રાઇમની ટીમે 866 થી વધુ ગુનાઓમાં વોન્ટેડ આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા. રિપોર્ટર નૈતિક રેશમવાળા, એનએન ન્યૂઝ, સુરત. દર્શક મિત્રો, એનએન ન્યૂઝને લાઇક, શેર, સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકન પ્રેસ કરો જેથી આપને નોટિફિકેશન્સ મળતી રહે. जून के महीने में केनरा बैंक में एक रेड की गई थी, जहां पे 85 जितने किट्स जो थे, बैंक अकाउंट्स, इनके डेबिट कार्ड, पासबुक, चेकबुक, इनके साथ कुछ लोग पकड़े गए थे. और वो उस केस में 8 जितने हमारे आरोपी पकड़े गए, उनमें एक ऐसी बात आई थी कि दुबई में कुछ लोग बैठे हुए हैं जो कि इस पूरे गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं, और साइबर क्राइम के द्वारा जितना पैसा आ रहा है इन अकाउंट को यूज करके दुबई जाता है, दुबई से विड्रॉ कर लेते हैं. ये तो उसके अनुसंधान में ये वर्कआउट चल रहा था. उनमें हमें सफलता 22 अक्टूबर के दिन मिली, जब एक यहाँ पे सूरत शहर के मोटावराचा एरिया में एक स्वाध्याय कॉम्प्लेक्स है, वहाँ 107 नंबर के ऑफिस में रेड की गई. वहां से हमें 3 आरोपी मिले, अजय इटालिया, जल्पेश नडियाद्रा और विशाल तुमर. ये 3 आरोपी जब पकड़े गए, इनके पास से बहुत सारी किट्स वगैरह जो बैंकिंग किट्स होती हैं वो सारी चीजें मिली. और उसके बाद हम लोगों ने ये उसमें से ये पता चला कि मौके से ही लगभग 261 जितने बैंक के साथ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन चल रहे थे इनके, और कंटिन्यूस जो पैसा आ रहा था, पैसा का दुबई ट्रांसफर हो, दुबई से यहाँ विड्रॉल डेबिट कार्ड के माध्यम से हो रहे थे. तो इन तपासों में हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन जो हम लोग कर रहे थे उसमें जितने भी आरोपी थे, इन आरोपियों के जो इन्वेस्टिगेशन में इंक्वायरी, इस तरह से इंट्रोगेशन में चीजें आई कि दुबई में एक मिलन दर्जी है जो कि सबका मास्टर माइंड है, वो वहां पे चाइनीज गैंग के साथ कुछ काम, इस तरह के जो साइबर क्राइम जो होते हैं उनके लिए सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लेयर के लिए अकाउंट प्रोवाइड करने का काम कर रहा है ये. और उसमें अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन में कुल 624 जितने अकाउंट हमें मिले हैं, जिसके अंदर जो देश के अलग अलग राज्यों में से पैसा ट्रांसफर हुआ, जिसकी रकम 111 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम है जो कि ट्रांसफर की गई और विड्रॉल किया गया है दुबई में. और इसमें टोटल 29 राज्य और हमारे जो यूनियन टेरिटरीज है उसमें 866 जितनी अप्लीकेशन इन्हीं बैंक अकाउंट नंबरों के विरुद्ध में आई है, जो 1930 जो भारत सरकार का हमारा पोर्टल है, साइबर हेल्प लाइन का पोर्टल है, और उनमें आई है. और उसमें से अलग अलग राज्यों में कुल 200 जितने FIR अभी तक दर्ज भी हो चुके हैं. तो जो अलग अलग राज्यों में 200 FIR दर्ज हो चुके हैं, तो हमारी टीम ने उन राज्यों की पुलिस के साथ कॉन्टेक्ट किया और उनके द्वारा पता चला कि ये जितने भी अकाउंट साइबर क्राइम में यूज हुए, जिसमें सेक्सटॉर्शन था, डिजिटल अरेस्ट क्राइम थे, जॉब फ्रॉड था, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, अलग अलग प्रकार के साइबर क्राइम में से इन्होंने किया, उन राज्यों के साथ भी हम लोग अभी कॉन्टेक्ट में हैं. जब इनके पास से 180 बैंक पासबुक, 30 चेकबुक, 258 सिम कार्ड और लगभग जो है काफी सारे बड़ी मात्रा में इनके पास से अकाउंट नंबर मिले थे, तो उसमें से टोटल हम लोग देखा कि जो मैक्सिमम जो केनरा बैंक से 267 अकाउंट उसमें से मिले हमें, और यूके बैंक में से 145 अकाउंट, और इंडियन बैंक में से 153 अकाउंट, और जेएनके बैंक में से 49 अकाउंट. हर बैंक ने 9 बैंकों के यूज किया पैसा ट्रांसफर करने के लिए, उसमें पैसा डालने के लिए. और ये जो दुबई में मिलन दर्जी नाम का व्यक्ति बैठा हुआ है, ये और इनके अलावा जितने भी आरोपी हैं उनके छोटे नाम थे, उसको हम लोग इन्वेस्टिगेशन में पूरे नाम निकले, पासपोर्ट की डिटेल ली गई, LOC इशू कराई गई. उसी में से आज एक मुंबई एयरपोर्ट में दुबई भागता हुआ एक हिरन नाम के एक आरोपी को हम लोगों ने पकड़ा है, और उसको यहाँ पर लाकर आगे की इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं. टोटल सूरत शहर में 3 और हम लोग ऑफेंस रजिस्टर किए गए. ये जितने क्रिमिनल्स हैं, इन क्रिमिनलों के जो पूछपरछ में चीजें आई हैं कि 2.5 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़, 1.5 करोड़, इतनी बड़ी बड़ी रकम की, इन्होंने बहुत सारे डिजिटल अरेस्ट का केस किया है, इन्होंने चीटिंग किया है, बहुत सारे सेक्सटॉर्शन किया हुआ है, और ये सारे पैसा जो इनके जो हमें अभी तक जो इंट्रोगेशन में आई है आरोपियों के में, कि कुछ जो चाइनीज गैंग है दुबई में उनके लोग जो अपने भारत देश में, वो इनको इस तरह से जो साइबर क्राइम करके पैसा अपने अकाउंट में लेते हैं और उनके अकाउंट से दूसरे तीसरे चौथा नंबर के अकाउंट तरीके 624 अकाउंट
यूज हो रहे थे उसमें पैसा डाल रहे थे, और ये सारे पैसा इतनी छोटी छोटी रकम 1500, 2000, 5000, 10000, जैसे पहले अकाउंट में 2.5 करोड़ आया, 2.5 करोड़ से तुरंत इन्होंने 100 अकाउंट में 1-2 लाख ऐसे करके डाल दिया, फिर वो अकाउंट 10000, 5000 रुपए करके नीचे डाला, फिर वो अकाउंट 1500